हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12369 हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस में। दोस्तों, ये ट्रेन हावड़ा से हफ्ते में 5 दिन दोपहर के 1:10 पे रवाना होता है और आपको अगले दिन शाम पे 6:20 पर देहरादून टर्मिनल पहुंचाता है। और दोस्तों, आज हम इस ट्रेन में ट्रेवल करेंगे वाराणसी जंक्शन से हरिद्वार जंक्शन तक। और दोस्तों, आज हम इस ट्रेन में टोटल जर्नी करेंगे 777 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। और सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों, 12369 हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस का यहाँ पे टाइम था रात के 1:40 और अभी टाइम हो रहा है देखिए सुबह के 5:21। मतलब हमारा ट्रेन आज 4.5 के ऊपर डिले आ रहा है और यहाँ पे आज इस ट्रेन का टाइम होगा सुबह के 6:10 या 15 ऐसा कुछ। तो जर्नी शुरू होने के पहले ही जर्नी लेट हो चुका है, तो डायरेक्ट आप लोगों से मिलते हैं ट्रेन के अराइवल पे। दोस्तों, हमारा ट्रेन अभी अराइव किया है 6:25 पे कुंभ एक्सप्रेस अराइव किया है। चलते हैं हमारे कोच के सामने और आज हम जर्नी करेंगे S5 में, जो कि स्लीपर क्लास है। दोस्तों, ट्रेन सीट में लगभग 10 का टाइम बाकी है, तो चलते हैं अंदर और लोग को एंजॉय कीजिए। चलिए चलते हैं अंदर। कौन का? दोस्तों, ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो ट्रेन में बहुत ज्यादा क्राउड था, ये वीडियो ज्यादा बना नहीं पाए, तो मिलते हैं डायरेक्ट डिपार्चर से। Oh.
फ्रेंड्स 143 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंचे हमारा इस जर्नी का फर्स्ट हॉल्ट जो कि है सुल्तानपुर जंक्शन। यहां पर हमारा ट्रेन पूरे 4.5 घंटा डिले है। यहां पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है
और ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं इस स्टेशन के बारे में, तो चलते हैं अंदर और मिलेंगे अगले स्टॉप पे। हम लोग आ चुके हैं 12369 कुंभ एक्सप्रेस का वॉशरूम पे। यहाँ पर देख सकते हो सामने बेसिन है, यहाँ पर साफ ठीक ठाक है, ज्यादा साफ नहीं है। यहाँ पर बेसिन है, बेसिन भी गंदगी करके रखे है, यहाँ पर पानी सही तरीके से आ रहा है, नीचे गंदगी है बहुत, और यहाँ तक पहले देखा तो नहीं हुआ सर। ये वेस्टर्न स्टाइल है और आपको हैंगर मिल जाएगा, और जब भी आप टॉयलेट करेंगे तो फ्लश जरूर कीजिए। बस इतना ही दिखाना था, मिलते हैं वहाँ। दोस्तों 193 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम पहुंचे हैं अभी निहालगढ़। और दोस्तों निहालगढ़ पे हमारा ट्रेन 5 घंटे 10 मिनट डिले है। और दोस्तों ज्यादा फेमस स्टेशन नहीं है, यहाँ पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है। तो जाएंगे अंदर और आप लोगों को दिखाएंगे डिपार्चर। पानी बोतल
280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग, और यहाँ पे स्टेशन का 20 मिनट का हॉल्ट है, तो कुछ ढूंढते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट डिपार्चर दिखाएंगे। आपकी जगह आप समझिए, हम सब समझे हुए हैं, रात दिन तक ट्रेन में बात करते हैं। आप किसे बात करते हैं? आपका सीट है, आपका सीट केवल एक है, 63 पर दो आदमी है, 63 पर दो आदमी है, 64 पर होइएगा नहीं है, अगर कहिएगा जिसमें आप बचिए नाम, हम कुछ बातें हैं, 10 आदमी सही यहाँ पर कि नहीं आपसे दिक्कत नहीं, बात बोलिए, तत्संगत बात बोलिए। RSC हो गया था, जुनून अभी तो हो गया, 64-63 अभी तो हो गया, हम चले गए हवा में, जिसका कन्फर्म है वो चला गया हवा में। हाँ सर तो रखो, हाँ सर तो रखो, ऐसा करो सर तो रखो, आता है किसी टाइप से हम 40 पर कॉल करो कि 364 मेरा ही है दोनों आदमी का RSC, ना कन्फर्म अगर RSC हुआ तो दिखाओ ना कौन टिकट कन्फर्म पार्टी में RSC कन्फर्म हुआ तो एगो बर्थ दिया होगा तुम 63 नंबर में सूटने के लिए। दिन में तो सब बैठता है, दिन में इसका टिकट ऊपर वाला नीचे नहीं बैठेगा, इधर लिखा हुआ है सब कुछ सामने में लिखा हुआ है, आइए वो कहता है नहीं देंगे। दोस्तों पिछले 5 मिनट से हम दिलवर नगर बोल के एक छोटा सा स्टेशन है यहाँ पर खड़े हैं, अगला स्टॉपेज है बरेली, फिर यहाँ से काफ़ी दूर है, और ट्रेन बार बार लेट हो रहा है और ज़्यादा लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। वैसे ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन, टाइम हो रहा है 7:15, हमारा ट्रेन लगभग 8 घंटा लेट चल रहा है अभी। दोस्तों आप लोगों को क्या पता है, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस आया है। दोस्तों ज्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, ये रहा बरेली स्टेशन, तो आपको दे डिपार्चर पे।
हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन। यहाँ पर भी हमारा ट्रेन पूरा 8 घंटा डिले है और हमारा ट्रेन का यहाँ पर 8 मिनट का होल्ड है। अगला स्टॉप है लक्सर जंक्शन, कोशिश करेंगे कवर करने का। दोस्तों ये जो जर्नी एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही गंदा है। अब तो 8 घंटा लेट चल रहा है ट्रेन, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर, डिपार्चर भी मिलेंगे। डिपार्टिंग फ्रॉम मुरादाबाद जंक्शन। दोस्तों बहुत शुक्रिया लक्सर जंक्शन, और ये हमारा इस रूट का सेकेंड लास्ट होल्ड है। अगला स्टॉप है हरिद्वार, तो मिलते वहां पर। यहाँ पर भी हमारा ट्रेन 8 घंटे के ऊपर है, सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है, तो चलते हैं अंदर। दोस्तों हम पहुंच गए हमारा डेस्टिनेशन हरिद्वार, और ट्रेन हमें पहुंचाई रात के 11:35 पर। बहुत ज्यादा दिक्कतें आई है इस जर्नी में, तो चलते हैं। बहुत रात हो चुका है, अभी हम स्टेशन के बाहर जा रहे हैं। अभी ऑटो पकड़ेंगे और एक होटल में जाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार करते हैं एंड। सब लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और हमारे साथ जर्नीस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द एक और नए जर्नी में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।